जिला बक्सर के बक्सर प्रखंड के जोहर मध्य विद्यालय में पीने का चापाकल का पानी शुद्ध रूप से नहीं मिलने की वजह से यहाँ के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से इन्हें पानी पीने के बिना क्या क्या परेशानी हो रही है। हम जवाहर मध्य विद्यालय से बोल रहे हैं, किस क्लास में? 7 क्लास में। विद्यालय में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की गलती है, कई अच्छे पानी नहीं आता, इसलिए हम अपने घर से पानी लाते हैं। जब खत्म हो जाए तो बगल से भर लेते हैं पानी। विद्यालय में आपकी क्या व्यवस्था नहीं है? जो हमारे विद्यालय में तो बहुत कमी है, यहाँ पर सबसे पहला नंबर तो यहाँ का पानी का व्यवस्था नहीं है। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और पानी अगल बगल से लाते हैं, चापाकल हमेशा टूटा हुआ रहता है, और सर बनवाते हैं फिर भी टूट जाता है। छोटे बच्चे हैं, एक ही चापाकल है। वो अभी तो चापाकल में पानी दे रहा था, अभी दे रहा है। तो कैसा पानी है? पीने के लायक पानी? लायक पीने लायक पानी दे रहा है, लेकिन पीने लायक नहीं। तो कहाँ से पीते हैं आप लोग बच्चे लोग, या आप लोग को भी पानी कहाँ से मिलता है पीने के लिए? हम लोग तो घर से लाते हैं, बच्चों लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि घर से पानी लाओ, गंदगी पानी को नहीं पीने से मना करते हैं। किए रहे हैं, ऊपर से जो छाजन है वो भी ज्यादा बरसात होता है तो कभी चट्टान गिर जाता है ऊपर से, और थोड़ा गंदगी भी है। नगर पालिका जितना भी है यहाँ गंदगी उधरे टेक कर आता था उसको भी गिरा दिया है। तो इसके लिए मैडम आप लोग का क्या प्रयास है अभी तक? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का स्कूल का जितने भी विद्यालय का है सारा व्यवस्था सही हो, कि बच्चे ताकि आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो। यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर विगत 8 महीने से कार्यरत हूँ। विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, उपस्कर की समस्या है, और चार दीवारी भी नहीं है, टूटा फूटा जिन सेंट दीवार भी है, छत भी जो है छू रहा है, और बच्चे जो है पानी के अभाव में इधर उधर दौड़ते हुए नजर आते हैं और बाहर भी जाते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग जो है काफ़ी बच्चों से प्रभावित रहते हैं कि भाई आखिर मेरा बच्चा पानी पीने के लिए और सड़क पर जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इसके लिए भी बहुत सारे आवेदन वगैरह भी दिया, समस्या है वो काफ़ी जिन मतलब बहुत बहुत खराब स्थिति है। चापाकल है लेकिन चापाकल से पीने लायक पानी नहीं है जी। और बच्चों की संख्या मेरे यहाँ 515 है, नामांकित बच्चों की संख्या 515 है, और ऐसे में पानी नहीं हो और हमारे बच्चे विद्यालय के बाहर जाएं, जबकि यहाँ डूडा का जल मीनार भी है, और मैंने स्कूटी इंजीनियर से भी बार बार कहा डूडा के, लेकिन वो सिर्फ उनका आश्वासन मिलता है कि प्रयासरत हूँ प्रयासरत हूँ। क्या मुंह से बोलते हैं मौखिक में कि कागजी भी है? कागजी भी हमने मैंने PhD के जेई को एक्सिक्यूटिव इंजीनियर को भी मैंने आवेदन दिया हूँ, रिसीविंग भी मैंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले बार कहा कि आएगा अप्रैल महीना में तो मैं आपको चापाकल दे दूंगा। अब मैंने बात किया, कई बार टेलीफोनिक भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए अभी चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद मैं प्रयास करूंगा। केवल आश्वासन मिलता है, काम कुछ नहीं होता है। समस्या पर वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक के साथ PhD विभाग गई, और वहाँ पर PhD विभाग के अधिकारी कौन जिसे बात होने से ये पता चला कि उन्होंने बताया कि इस समस्या को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है उनकी बातों से कि वो अपने बातों पर जरूर खड़े उतरेंगे। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ मैं और भी नए मुद्दे पर काम करूंगी और इसी तरह नए वीडियो बनाती रहूंगी। तब तक के लिए मैं ममता कुमारी, जिला बक्सर बिहार, इंडिया अनहट के लिए।